गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव रेड दैट चैप्टर बंकू बाबू फ्रेंड. ओके, नाउ यू अंडरस्टूड व्हाट हैपेंड इन द चैप्टर. यू हैव रेड द चैप्टर आई होप वेरी नाइसली. नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट बुक एक्सरसाइजेस. सो पेज 106, क्वेश्चन नंबर A1, चूज द करेक्ट आंसर. बंकू बाबू ऑलमोस्ट जंप अप बिकॉज. आंसर इज सी, he was frightened of the strange creature in front of him. Now come to page 107, question number 2. Though Banku Babu could run away, he didn't because. So answer is A, because he wanted to know who or what was the cause of the strange happenings in the crew. Now third, the creature realized he was not on Pluto because Bunko Babu did not reply to the strange language he spoke. Fourth, Bunko Babu felt very uncomfortable when the creature examined him by pressing his arms and legs with his fingers. Fifth, the creature told Bunku Babu that his fault was that. So answer is A, he allowed people to hurt and insult him. Okay. Now, six, Aang left in his spaceship because he had to go to the planet Pluto. Now, question answers I will send you in next video. In this only we will discuss only book exercises. Now come to page number 108. Here are few words taken from the lesson. So आपको उधर words दिए और एक उनका meanings भी दिए. उसमें meaning भी है, antonyms भी है, synonyms भी है. So आपको opposite को underline करना है और circle the same करना है. Similar meaning वाले synonyms को आपको circle करना है और एंटोनिम्स को आपको अंडरलाइन करना है. सो फर्स्ट इज स्ट्रेंज. सो इसका मीनिंग वाला सेंटेंस है, सेम मीनिंग वाला वर्ड है वियर्ड और अपोजिट है फैमिलियर. ठीक है, स्वेलोड. जैसे मैंने अभी किया, इसको हम बोलते हैं स्वेलोड. तो स्वेलोड का मीनिंग है कंज्यूम और अपोजिट है ड्रिंक. इनविजिबल, इसका है हिडन और अपोजिट है सीन. इमर्ज्ड, अपीयर्ड एंड वेंट आउट ऑफ द साइट. आई विल सेंड यू पिक ऑल्सो. ग्लोइंग मीनिंग सेम है शाइनिंग और अपोजिट है इसका डल. अनकंफर्टेबल, सो सिनोनिम है अनइजी और इसका अपोजिट है काम. स्क्रैच्ड, bruise it and इसका अपोजिट है mended. instant, immediate और letter. ठीक है, सो ऐसे आपके 14 words हैं. powerless, weak और अपोजिट हुआ powerful. 10th है examine, इसका होगा inspected, अपोजिट होगा ignored. major, main, अपोजिट होगा minor. प्रोटेस्ट, मीनिंग होगा अटैक और अपोजिट होगा एक्सेप्ट. एग्जिट, मीनिंग होगा लीव और अपोजिट होगा एंट्री. स्विफ्टली मीन्स क्विकली. आपने कार का नाम भी सुना है ना स्विफ्ट, उसका मीन्स ही होता है फास्ट, क्विक और उसका अपोजिट हुआ स्लोली. अब इसी पेज पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर B2. ए और बी दो कॉलम्स दिया है, आपको मैचिंग करके कंपाउंड वर्ड बनाना है. कंपाउंड वर्ड मतलब दो सेपरेट वर्ड्स को जॉइन करके एक न्यू वर्ड फॉर्म करना. ठीक है, सो फर्स्ट मैं आपको डायरेक्ट वाला रीड कर रही हूँ. आर्म चेयर, एटम बम, फुटबॉल, लैम्प का पोस्ट, ब्लैक बोर्ड, डार्क रूम, 7 ग्लोवर्म, 8th डे ड्रीम, 9th पेन फ्रेंड एंड 10th है मोटर साइकिल. मोटर अलग वर्ड है, साइकिल अलग है, दोनों को ज्वाइन करके
मोटरसाइकिल बनाया और ये न्यू वर्ड है, सो इसको हम बोलते हैं कंपाउंड वर्ड्स। ठीक है, अब हमको इसी जो कंपाउंड वर्ड्स को फिल इन द ब्लैंक्स में यूज़ करना है। B3 में आपको ये कंपाउंड वर्ड्स को फिलअप्स में यूज़ करना है। माई अंकल हैज़ बॉट ए ब्यूटिफुल रेड मोटरसाइकिल विच कैन गो वेरी फास्ट। सेकेंड, वी लव प्लेइंग फुटबॉल इन द रेन। थर्ड, द टीचर ड्रू द फिगर ऑफ ए ह्यूमन हार्ट ऑन द ब्लैक बोर्ड। फोर्थ, शी हैज़ अ पेन फ्रेंड हु लिव्स इन स्विट्जरलैंड। फिफ्थ, द लैम्प पोस्ट आउटसाइड माई हाउस ब्रोक यस्टरडे। You can see the glowworm shining in the dark forest. Photographs are developed in a dark room. 8. The world will not survive if people start fighting with the atom bomb. My grandfather was sleeping in his armchair. So in this way we have completed the fill in the blanks. Now see question number B4. कम्प्लीट द फॉलोइंग कंपाउंड वर्ड्स। अब हाफ दिया है, हाफ से आप इसको कोई नया वर्ड बना सकते हैं। ठीक है, सो मैं आई एम रीडिंग फुल कंपाउंड वर्ड। पोस्ट कार्ड, रेन ड्रॉप्स, विंडमिल, टूथब्रश, टेप वॉर्म, टेबल क्लोथ, ब्रेक डाउन, न्यूज़पेपर, मूनलाइट, आफ्टरनून, पिकअप, सनलाइट एंड स्विमिंग पूल। ठीक है, नाउ कम टू पेज नंबर 111। सी क्वेश्चन नंबर C1, ये आपने ऑलरेडी ग्रामर बुक में पढ़ा हुआ है। इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म IN। सो उसको आप शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, एपोस्ट्रॉफी का यूज करके। ठीक है, सो दिस आर कॉल्ड कॉन्ट्राडिक्ट और कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म और यू कैन से शॉर्ट फॉर्म IN। तो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म दिया है, आपको उसको एक्सपांड करना है। इट इज, आई हैव, वी हैव। फिफ्थ, कैन, कांट को क्या लिखोगे, कैन नॉट। वुड नॉट को लिखोगे वुड नॉट। सो दीज आर कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म, आप उसको पिक के थ्रू कंप्लीट कर लीजिएगा। और C2 में आपको उल्टा दिया है, एक्सपांड फॉर्म दिया है इसका, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म लिखना है। ही इज लिखा है, तो अब ही इसको कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कैसे लिखेंगे, वो आपको ग्रीन बॉक्स में दिया है, वहाँ से चूज करके लिखना है। ठीक है, तो ये तो आप पिक के थ्रू कर लीजिएगा। देन C3 में आपको फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम दोज गिवन इन ब्रैकेट्स। कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म दिए, विच वन इज सूट यू हैव टू फिल अप। राम रन्स फास्ट, डजेंट ही। राधा इज अ प्रीटी गर्ल, इजेंट शी। देर आर योर फ्रेंड्स, आरेंट दे। नाउ टर्न द पेज 112। दे वर प्लेइंग क्रिकेट, वेरेंट दे। इजेंट रजनी योर बेस्ट फ्रेंड। यू लाइक एप्पल्स डोंट यू। Sushant and Preeti weren't listening to the teacher. Don't throw the paper on the road. You will come to my party, won't you? It is difficult to do this sums. Hemant says he won't go to school today. I heard Ravi say that he couldn't run because he had hurt himself. Now one more thing I want to explain, apostrophe. We will discuss this step, apostrophe, in grammar book also. They say, this is my pen. So ये आपको बता रहा है कि pen किसका है, मैम का। तो my pen, this is the handbag of my mother. तो handbag किसका है, mother. My mother's handbag. तो आप कॉमा लगा के ऐसे लिखते ना, mother's pen, teacher's pen, है ना, टीचर का पेन। तो हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, टीचर कॉमा लगा के एस, टीचर्स पेन, है ना, मदर्स पेन। सीताज कॉपी, इसको हम बोलते हैं एपोस्ट्रॉफी। ठीक है, वो पोजेशन बताता है किसका है।
जैसे द ड्रेस ऑफ माय सिस्टर, तो इसको अपोस्ट्रॉफी में क्या लिखेंगे, सिस्टर्स ड्रेस, सिस्टर का ड्रेस। सो ऐसे ही हम आपको बहुत सारे सेंटेंस दिए हैं, उसमें आपको अपोस्ट्रॉफी का यूज़ करना है। सपोज फर्स्ट सेंटेंस है द ड्रेस ऑफ माय सिस्टर इज टू बिग फॉर हर, सो ड्रेस ऑफ माय सिस्टर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सिस्टर्स ड्रेस। तो अपोस्ट्रॉफी से सेंटेंस छोटा हो जाता है। माय सिस्टर्स ड्रेस इज टू बिग फॉर हर, कोई भी चेंज नहीं करना है, खाली ड्रेस ऑफ माय सिस्टर, ऑफ हटा के आपको सिस्टर्स करना है, ठीक है। हमको उसका पोजेशन अपोस्ट्रॉफी लगा के शो करना है। हैंड बैग ऑफ माई मदर, तो आप क्या लिखेंगे, माई मदर्स हैंड बैग। ऐसे उन्होंने आपको 10 सेंटेंस दिए, ठीक है। स्पेस शिफ्ट ऑफ एंड, तो क्या लिखेंगे, एंड स्पेस शिफ्ट। हेयर ऑफ द बेबी, तो लिखेंगे बेबीज हेयर। द बास्केट ऑफ द फ्लावर सेलर, तो फ्लावर सेलर्स बास्केट। ये चीज किसकी है हमको बतानी है, ठीक है। फादर्स शूज ऑफ फादर, तो किसके हैं, फादर के शूज, तो फादर्स शूज। डॉग्स कैनल, टाइगर्स आई। पर इतना ही चेंज करना, बाकी फुल सेंटेंस आपको एज इट इज कॉपी डाउन करना। बुक्स ऑफ रोहित, तो हम क्या बोलेंगे, रोहित्स बुक, मतलब रोहित की बुक्स। दिस इज कॉल्ड अपोस्ट्रॉफी। तो दिस विल कम इन योर ग्रामर एक्सरसाइज। द डॉल ऑफ द गर्ल, तो डॉल किसकी है, गर्ल की, तो गर्ल्स डॉल। देन नेस्ट ऑफ द बर्ड, मतलब बर्ड्स का नेस्ट, तो बर्ड्स नेस्ट। सो इन दिस वे यू विल कंप्लीट योर बुक एक्सरसाइजेस। I will send you quick also. In the next video, we will discuss question answers. Okay? Till then, bye.